जी सर बताए, 3 तारीख को प्रशासन ने मुई और खान खून घाटोली के बीच जो विवाद चल रहा था पानी को लेकर, उसको बंटवारा कर दिया, दोनों का रास्ता क्लियर कर दिया। उसके बावजूद भी मुई के सरपंच द्वारा जबरन इन यहाँ अपनी तरफ ज़्यादा पानी ले जाने की नीयत से इधर को पत्थर लगवा रहे हैं, पूरी भीड़ को वो कर रहा है, खुद मौके पे नहीं आ रहे हैं और हमारे स्टाफ के साथ हमारे साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज और हमारे इधर उधर हमारे वर्दियों को और इनको लूट खींचा जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है। जबकि हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से दोनों को बराबर पानी का बंटवारा कर दिया, दोनों तरफ बराबर पानी जा रहा है। किसी तरह का हमारे द्वारा दोनों कोई तरह का पक्षपात नहीं किया गया है। वो जानबूझकर ग्राम पंचायत का मुई सरपंच पंकज शर्मा ज़बरदस्त लोगों को यहाँ भीड़ को भेज रहा है और खुद दूर रहते हैं और हमारे साथ हाथापाई और मारपीट की और हमको जान से मरवाने की धमकी दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, हमारा स्टाफ यहाँ मौके पे तैनात है, किसी तरह से अनहोनी नहीं हो, किसी तरह से विवाद नहीं बढ़े, इसलिए हमारा पूरा स्टाफ यहाँ मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। रात्रि 10-24 घंटे हम यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आप पानी जल स्तर बढ़ रहा है, ये लोग आपसी रंजिश बस टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे हमें उच्च अधिकारियों और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी या उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं आप ग्राम पंचायत के सरपंच हो और आपके ऊपर जो पानी बंटवारा है उसको लेकर वन विभाग ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों को आप उकसा रहे हो। देखिए, ये वन विभाग के जो झूठे जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार हैं। अगर वन विभाग के पास कहीं पर भी इस चीज़ का सबूत है कि मैं लोगों को उकसा करके भेज रहा हूँ, ये एक आवश्यक चीज़ है पानी की, जो ग्रामवासियों को, प्रत्येक ग्रामवासी को, यह केवल मुईखाई मामला नहीं है, यह गुड़ाकटला, आसन, जैतपुर, रामबा, एचआईडी तक के लोग मामला है। इसमें एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता, मेरे कहने से नहीं तो कोई व्यक्ति जा रहे, जब वन विभाग के लोग बता रहे हैं मेरे को, मैं तो अभी आईटी केंद्र पर बैठा हूँ, मेरे कार्यालय पर हूँ, लोग मेरे को बताएं कि वन विभाग के कर्मचारी वर्दी जो इनको गवर्नमेंट ने दी है उसको उतार करके पानी, जो 3 तारीख को प्रशासन करके गया और उसकी भी वीडियो हमारे पास है, और उसके बाद में 3 तारीख के बाद में जो वन विभाग वालों ने दूसरे दिन आकर के बंटवारा किया, जो वन विभाग ने वीडियो भेजी है वो वीडियो हमारे पास है, जो इन्होंने उस दिन भी इसको इनके हिसाब से डिवाइड करके समतल बिल्कुल दोनों भागों में बराबर कर दिया, उसके बावजूद वन विभाग के कर्मचारी प्राइवेट लोगों को साथ में लेकर के उनके संरक्षण में, वन विभाग के संरक्षण में ये पानी का बंटवारा करवा रहे हैं और पानी को दूसरी तरफ ज्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं आपके ग्रामीणों के ऊपर जो वन विभाग ने वर्दी से छीना झपटी या वन कर्मियों के साथ छीना झपटी या मारपीट जैसे आरोप लगाए, इनको लेकर क्या कहना? देखिए, ऐसा सारे जो तथ्य और जो भी हैं वो निराधार हैं। हमारे जो व्यक्ति हैं जो शालीनता से पानी मांग रहे हैं, वर्दी के साथ छेड़छाड़ करना, कानून के साथ छेड़छाड़, कोई भी व्यक्ति हमारे ग्राम पंचायत, किसी व्यक्ति ने कानून को हाथ में नहीं लिया। अगर ऐसा कुछ है तो सबूत आपके पास, वीडियो होगी, फोटो होगी, आप भी मौके पर थे, अगर ऐसा है तो आप पेश कीजिए। बाकी ग्राम पंचायत का इससे कोई लेना देना नहीं, दोनों गाँव मेरे ग्राम पंचायत के हैं,
दोनों खूंजाटोली और मुई दोनों मेरे गांव है, मेरे राजस्व गांव है दोनों, और मैं चाहता हूँ दोनों गांव में पानी का बराबर बंटवारा हो, दोनों गांव को बराबर पानी मिले जिससे आम जनता को किसानों को लाभ मिले। प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया, 3 तारीख को बंटवारा किया, अब उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करे। वन विभाग एक ही पक्ष को दबाने का काम नहीं करे, वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से काम हो रहा है, जिनके मैं नाम भी सार्वजनिक कर दूंगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि सामंजस्य बिठा रहे, वन विभाग के साथ, खुंडजा टोली के साथ, मुई के लोगों के साथ, सब लोग आपसी भाईचारे से सामंजस्य से काम करें। और ये जो फॉरेस्ट साहब मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि हम मरवाने के लिए भेज रहा हूं या फिर मैं भीड़ भेज रहा हूं, ये मेरे व्यक्तिगत काम नहीं है, ये आम जनता का काम है। जैसे ही आम जनता को खबर मिलती है कि फॉरेस्ट वाले वर्दी उतार करके पानी को छिन्न-भिन्न कर रहे हैं नालों को, तो आम जनता आक्रोश में आ गई। अब लोग भग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को तथ्य जानकारी में नहीं है इन लोगों ने। जबकि हमारे गांव में आज 15-16 साल बाद में जो पानी मोड़ा है प्रशासन ने, वो पानी पहली बार आज जैसे गांव में पहुंचा बुधवार को, तो गणेश चतुर्थी भी है, तो गांव के लोगों ने मिल करके उसके पूजा करने के लिए, पूजन के लिए बैठे हुए थे। और जब गांव वालों को उस चीज़ का पता चला कि वन विभाग वाले कर्मचारी मिलकर के अपनी मिली भगत से प्राइवेट आदमी को साथ लेकर के उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वर्दी खोल करके नीचे पड़ी हुई है, शर्म आने की बात है वन विभाग के कर्मचारियों को, तो उस पूजा अर्चना के काम को भी बीच में छोड़ करके गांव के लोग वहां पर गए हैं, और अब गांव के लोगों के ऊपर और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो तथ्यहीन है और निराधार है। गाँव के लोग पूजा कर रहे थे, दोनों गाँव में बराबर वर्षों पहले पानी आता जाता रहता था, और अब जब पूजा करने की जब लोग तैयारी कर रहे थे, जब इस चीज़ का पता चला, जब गांव वालों में आक्रोश होकर के गांव वाले से उठ करके वहां पर गए, तो मौके पर देखा कि कुछ वनकर्मी अपनी वर्दी खोल करके पानी के जो नाले हैं उनको अवरुद्ध करने का काम कर रहे थे, एक साइड पानी जाने देने का काम करते, दोनों गाँव में बराबर डिवाइडेशन नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये ऐसी कोई बातें हुई जो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि फॉरेस्ट वाले आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप लगाना बहुत निंदनीय है, जबकि मैं इससे किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों गांव में बराबर भाईचारा बना रहे, आपसी सामंजस्य बिठा रहे, दोनों गांव को बराबर पानी मिले। पंकज कुमार शर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत मुई।